कर साथ हो। आज हम रीजनिंग के जो विविध विविध का टॉपिक है उसको करेंगे, हम विविध के बारे में पढ़ेंगे। विविध में क्या ध्यान रखना है, वैसे इसका बेसिक रूल तो कोई होता नहीं, सभी सभी टॉपिक से संबंधित इसके अंदर क्या आएंगे, क्वेश्चन क्वेश्चन आएंगे विविध के अंदर। तो पहले क्वेश्चन कौन सा दे रखा है इसमें, जैसे किसी व्यक्ति के पास कुछ गायें हैं कुछ भैंसे हैं, कुछ गायें हैं कुछ मुर्गियां हैं, इनके सिरों की संख्या अड़चास और पैरों की संख्या 140 है। तो मुर्गियों की संख्या कितनी है बताओ, मुर्गियों की संख्या बताओ। इसे मुर्गियों की संख्या बताएं। इस प्रकार क्वेश्चन क्या करेंगे हम, किसी व्यक्ति के पास कुछ गायें और कुछ मुर्गियां हैं, उनके सिरों की संख्या कितनी दे रखी है, 48 दे रखी है, और पैरों की संख्या 140 दे रखी है। सिरों की संख्या 48 और पैरों की संख्या 140 है, इन सिरों की संख्या 48, इसका मतलब कितना, वो टोटल कितने 48 है, सिर सबके कितने होते हैं, एक एक होते हैं सबके सिर। इन गायों को हमने मान ली कितनी, इस क्वेश्चन में दो तीन तरीके से कर सकते हैं। जैसे गायों की संख्या मान ली एक्स, गायें हमने एक्स मान ली और मुर्गियां मान ली वाई, तो एक्स प्लस वाई कुल कितना हो जाएगा, एक्स प्लस वाई, यानी सिरों की संख्या कितनी है 48 हो रहा है, यानी गाय और मुर्गी मिलाकर कुल कितनी है 48 है, सिर सबके एक एक होते हैं 48 हो गया, और फिर पैरों की संख्या दे रखी है 140। तो गाय के कितने पैर होते हैं, गाय के चार पैर होते हैं, यानी चार पैर होते हैं, इसमें मतलब 4x प्लस मुर्गी के कितने पैर, मुर्गी को वाई माना हमने, मुर्गी के दो पैर होते हैं, दो पैर यानी 2y, कितनी दे रखी है पैरों की संख्या दे रखी है 148, तो यहाँ पर 148 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, जिसके पूछ रहा है उसको बराबर करेंगे और जो जिसका नहीं पूछ रहा है उसको बराबर कर लेंगे। जैसे यहाँ पर मुर्गियों की संख्या पूछ रहा है यानी गायों को नहीं पूछ रहा है, तो गायों को बराबर करेंगे यानी 4x करके जो समीकरण बड़ी है उसको छोटे वाली बड़ी में से घटा देंगे, तो 4x करेंगे, या जो ये संख्या समीकरण है पहली, इसे समीकरण एक लिख सकते हैं और इसे समीकरण दो लिख सकते हैं हम। जो पहली समीकरण है उसको क्या करेंगे, अब चार से गुणा करेंगे, चार से गुणा क्यों करेंगे हमें, क्योंकि ये जो बाद वाला समीकरण है 4x है, इसके बराबर करना है हमें 4x के बराबर, तो 4x के बराबर करने के लिए क्या करेंगे, चार से गुणा करेंगे पूरे समीकरण को। तो चार से गुणा करने में कितना हो रहा है, ये 4x हो गया प्लस 4y, 4x प्लस 4y बराबर कितना हो रहा है, 48 इंटू चार कितना हो गया, 832 असल के 3 4 इंटू चार 16 और 3 119 है ना। अब ये जो समीकरण है दूसरी, अब ये तीसरी समीकरण हो गई। अब तीसरी समीकरण में से क्या करेंगे, समीकरण 3 माइनस समीकरण 2 करेंगे, समीकरण 3 माइनस 2, यानी जो समीकरण 3 है उसमें से समीकरण दूसरी को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अब तीसरे से दूसरी को माइनस करेंगे तो क्या हो रहा है, 4x से 4x कैंसिल हो गया, ये तो कट गया, यानी ये माइनस में हो गया सभी, ये कट गया, फिर 4y से 2y निकल, यानी 4y से 2y निकलेंगे तो कितने बचेंगे, शेष 4 से 2 निकला तो 2y बचा, 2y बचा, 2y बराबर कितना बचा, 192 से 48 निकालेंगे, 192 से 48 निकालने पर शेष कितना बचता है, 12 में से 8 गया 4, 9 में से 5 गया 4, 44, यानी 44 शेष बचा, 44 शेष बचा, तो 2y बराबर कितना हो गया 44। तो मुर्गियों की संख्या कितनी हुई, मुर्गियों की संख्या y पूछ रहा है हमें, यानी y मुर्गियों हमने y के बराबर माना है, 2y बराबर 44 है, तो y बराबर कितना होगा, 22 हो जाएगा, वाई बराबर कितना हो गया, 22 हो गया। इस मतलब मुर्गियों की संख्या कितनी हो गई, 22 हो गई। अगर मुर्गियों की 22 हो गई तो गायों की कितनी हो गई, कुल कितनी है 48 है, यानी मुर्गी प्लस गायें, मुर्गी प्लस गायें दोनों मिलाकर 48 है, और केवल मुर्गी हमारे पास आ गई 22, केवल मुर्गियाँ 22 है, तो गायों की कितनी हो गई, तो गायें बराबर क्या करेंगे, 48 माइनस 22 कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 26 आ जाएगा, यानी 26 क्या हो गई, गायें हो गई, और 22 क्या हो गई, मुर्गियाँ हो गई। इस प्रकार देश है। तो दूसरा तरीका इसका क्या है,
दूसरा देगा मैं क्या दे रहेगा मुर्गियों की संख्या पूछ रहा है। अगर दूसरा देगा यहाँ पर गायों की संख्या पूछता, गायों की पूछता तो कितना होता, गाय के चार पैर होते हैं, गायों की पूछता कितना होता है 50 दे रखे। और तो अगर हम गायों की पूछता तो क्या करते हैं, सभी को पहले मानते हैं जितने जो है सभी चार पैरों वाले यानी सभी गायें हैं। अगर चार पैरों वाली सभी गायें हो गई तो कुल कितने पैर होते हैं, कुल गायें 50 है और सभी चार पैर वाली होती यानी 50 × 4 कितना हो रहा है 832 192 सभी कितनी हो जाती 192 हो जाती। और अगर सभी हम फिर क्या मानते सभी दो पैर वाले मानते, एक बार सभी चार पैर वाले मान ली फिर बाद में क्या मानते सभी दो पैर वाले मानते, दो पैर वाले यानी सभी मुर्गियां मानते, तो मुर्गियां मानते तो कितना होते 48 × 2 कितना होता है 96, फिर कितने होते 96 हो जाती है। अगर सभी को चार पैर वाले मानते तो 192 होता है और सभी दो पैर वाले मानते तो कितना होता है 96 मानते हैं, लेकिन वास्तव में पैर हुआ कितने रहे 140 हो रहा है। पर क्वेश्चन में क्या दे रखा है 140 पैर हो रहे हैं, तो 140 किन के बीच में आ जाएगा, ये 140 हो जाएगा, यहाँ पर 140 हो गया। अब इसको क्या करेंगे, इसको इसमें से घटा लेंगे और इसको है इसमें से घटा लेंगे, तो 192 से 140 को क्या करेंगे घटा देंगे, कितना हो रहा है 192 से 140 को निकले तो कितना बचेगा 52। और 140 में से 96 निकालेंगे यानी ये प्लस हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस हो गया, प्लस कितना हो जाएगा 6, 9 और 4, 13 और 2, 236 और यहाँ पर 236 हो गया और यहाँ पर कितना हो गया 52 हो गया। ये किससे कट रहा है, ये अनुपात में हो गया, अब ये अनुपात कट रहा है, ये 13 से कट रहा है, इसका अनुपात हो रहा है 13:11, ये 13 और 11 के अनुपात में कट रहा है दोनों, तो 13 और 11 कितना हो गया कुल। अब जिसके पूछ रहा है उसका हम निकाल सकते हैं, जैसे मान लो ये 11 क्या हो गई, 11 आ गई गायों की संख्या, तो 11 बटा कुल कितना हो रहा है 13 और 11 कितना हो रहा है 4 और 220 सॉरी ये इधर वाला 11 हो रहा है, 11 हो गई मुर्गियों की संख्या, तो कुल कितना हो गया 11 बटा 24 टोटल कितने इंटू टोटल कर देंगे 48, तो यहाँ पर कितना हो रहा है 48 24 48 दो बार कट गए 11 × 2 कितना हो गया 22, तो 22 क्या हो गई मुर्गियों की संख्या हो गई, और गायों की कितनी हो रही है यहाँ पर 13, तो 13 बटा 24 13 बटा 24 क्या करेंगे 48 करेंगे, ये 48 और 24 दो बार कट गए और कितने हो गए 26, 13 × 2 26 26 गायें हो गई और 22 क्या हो गई मुर्गियाँ हो गई। इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। अगली टाइप का क्वेश्चन कैसा पूछता है, जैसे एक 20 मीटर बंदर पर सॉरी एक 20 मीटर पेड़ पर या 20 मीटर खंभे पर कुछ भी लिख सकते हैं, एक 20 मीटर ऊंचे खंभे पर 6 मीटर एक दिन में 6 मीटर चढ़ता है, वो 6 मीटर चढ़ता है वे 4 मीटर फिसल जाता है, तो वे कितने दिन में ऊपर चढ़ जाएगा। ऊपर चढ़ जाएगा इस क्वेश्चन को करेंगे हम। इस क्वेश्चन करने के दो तरीके होते हैं, पहले क्वेश्चन कैसे करेंगे हम, एक 20 मीटर ऊंचा खंभा है उस पर एक बंदर चढ़ता है, वो एक दिन में 4 मीटर चढ़ता है और बाद में क्या करता है 6 मीटर चढ़ता है और 4 मीटर वापस फिसल जाता है, तो पहले तरीके से करने के लिए क्या करेंगे, जो पहली बार चढ़ रहा है इस टाइप के क्वेश्चन हमने जो मैथ के अंदर टॉपिक किया था ना वो नल पाइप वाला, उसी के अंदर भी किया था एक बंदर से संबंधित क्वेश्चन हमने, इसमें क्या करेंगे हम, जो पहली बार चढ़ रहा है वो क्या करेंगे टोटल में से निकाल लेंगे, टोटल कितना ऊंचा है कुल कितनी लंबाई है इसकी 20 मीटर है, तो जो पहली बार चढ़ रहा है वो उसका घटा देंगे, पहले यानी 6 मीटर चढ़ता है तो क्या करेंगे 6 मीटर घटा देंगे, कितना चढ़ाएंगे हम केवल 14 मीटर चढ़ाएंगे, 20 में से 6 निकालेंगे 14 मीटर चढ़ाएंगे एक बार। और ये क्यों घटाते हैं पहले वाला ये भी बाद में बताऊँगा मैं अभी, तो 20 मीटर में से 6 मीटर निकाले तो कितना बचा
14 मीटर बचा, अब 14 मीटर बंदर को सटाएंगे, यानी वो एक दिन में कितना सटता है, एक दिन में 6 मीटर सटा, माइनस 4 मीटर फिसल गया, यानी 6 माइनस 4 कितना हुआ, 2 मीटर, एक दिन में वो 2 मीटर सटता है। अगर एक दिन में 2 मीटर सटता है तो 14 मीटर सटने में कितना समय लगेगा, 14/2 यानी 7 दिन, 7 दिन में वो कितना सट गया, 7 दिन के अंदर 14 मीटर सट गया, 7 दिन में 14 मीटर सट गया, 8वें दिन क्या किया, 8वें दिन बंदर आया, 8वें दिन बंदर उसने किया कि छलांग लगाई और कितना चढ़ा, 6 मीटर ऊपर सट गया, 8वें दिन छलांग लगा कर 6 मीटर चढ़ गया प्लस 6 यानी 14 मीटर पहले सट गया था 7 दिन तक, और 8वें दिन 6 मीटर और सट गया, यानी कितना हो गया, 14 प्लस 6 कितना हो गया, 20 हो गए, यानी 20 मीटर बंदर गया पूरा सट गया। तो कितने दिन लगे उसको पूरा सट जाए ऊपर सट जाए, कितने दिन में ऊपर सट जाएगा, तो 8 दिन में ऊपर सट जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका 8 दिन। अब बताता हूँ कि जो एक दिन का जो पहला सट है उसको घटाते क्यों हम, पहले बार जो टोटल में से जो पहले वाला घटाते हैं ये क्यों घटाते हैं, ये इसलिए घटाते हैं क्योंकि जो बंदर सटता है तो पहले जो लास्ट दिन सटेगा, जैसे इसमें लास्ट दिन 8वें दिन था, 8 दिन सट गए उसके बाद वो वापस नहीं फिसलेगा, अगर एक बार पूरा सट गया तो वो वापस नहीं फिसलेगा, यानी 4 मीटर तो फिसल रहा था वो नहीं फिसलेगा लास्ट दिन, या नहीं फिसलेगा, इसलिए क्या करेंगे वो पहले वाला क्या कर देते हम घटा देते हैं टोटल में से, और लास्ट दिन उसको सटा देंगे, यानी लास्ट दिन सटाएंगे तो क्या होगा, वो वापस नहीं फिसलेगा, तो 14/6 हो गए, और दिन कितने लगे, 8 दिन लगे, कुल कितने दिन में सट रहा है, वो 8 दिन में सट रहा। और इसका दूसरा तरीका भी है, दूसरा तरीका कौन सा है इसका, हाइट माइनस चढ़ाई बटा जे, इस फॉर्मूले से भी हम कर सकते हैं, इस फॉर्मूले से जैसे हम देखते हैं इसमें प्लस 1 करना है, तो हाइट का मतलब क्या हो गया, कुल ऊंचाई, हाइट का मतलब हो गया कुल ऊंचाई, और सी का मतलब हो गया चढ़ाई, यानी वो कितना चढ़ रहा है, और जे का मतलब हो गया वास्तविक चढ़ाई। जो पिछला क्वेश्चन था कुल ऊंचाई थी उसका 20 मीटर, हमने अभी क्वेश्चन को मिटाया था, 20 मीटर कुल ऊंचाई थी, और चढ़ाई कितनी हो रही थी, पहले 6 मीटर चढ़ रहा था फिर 4 मीटर फिसल रहा था, और वास्तविक चढ़ाई कितनी हो रही है, तो वास्तविक चढ़ाई कितनी हो गई, 6 चढ़ा और 4 फिसल गई, इसका मतलब 2 मीटर क्या हो गए, वास्तविक क्या है वो चढ़ाई हो गई। तो अब इसको करेंगे, इस फॉर्मूले के आधार पर हम करते हैं, तो कैसे करते हैं, कुल चढ़ाई कितनी हो गई 20 मीटर, ये हमने मान लिख लिया सबका, कुल चढ़ाई हो गई 20 मीटर, 20 माइनस, और चढ़ाई कितनी है, वो चढ़ता कितना है, क्वेश्चन में दे रखा है वो 6 मीटर चढ़ता है और 4 मीटर फिसलता है, यानी 6 मीटर चढ़ रहा है, फिर बाद में वास्तविक चढ़ाई, वास्तविक चढ़ाई कितनी हो गई, 6 मीटर चढ़ा और 4 मीटर फिसल गई, यानी 6-4 2 मीटर वास्तविक चढ़ाई हो गई इसका, 2 मीटर वास्तविक चढ़ाई हो गई बटा 2 कर देंगे, फिर प्लस में 1 फॉर्मूले के अनुसार, इसको सोल्व करेंगे तो उत्तर आंसर कितना आएगा, वो 8 दिन आएगा, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 8 दिन, यानी 8वें दिन क्या होगा, बंदर है वो खंभे के ऊपर चढ़ जाएगा। अगले क्वेश्चन एक इसी से संबंधित, एक 60 मीटर गहरे कुएं में एक मेंढक पहले दिन 10 मीटर चढ़ता है, वह दूसरे दिन 3 मीटर फिसल जाता है, तो बताओ वो कितने दिन में बाहर निकल जाएगा, तो बताओ वो कितने दिन में बाहर निकल जाएगा, कितने दिन बाद बाहर निकलेगा ये देखना है। 60 मीटर गहरा एक कुआ है, उसके अंदर एक मेंढक पड़ गया, वो मेंढक क्या करता है, पहले दिन 10 मीटर चढ़ता है, यानी पहले दिन की चढ़ाई कितनी हो गई 10 मीटर, और दूसरे दिन वापस क्या होता है 3 मीटर फिसल जाता है, यानी -3 हो गया,
माइनस तीन मीटर। इसमें क्या पहला और दूसरा यहाँ पर दिन कितने हो गए, दो दिन हो गए। पहले दिन 10 मीटर चढ़ा और दूसरे दिन क्या हुआ, 3 मीटर फिसल गए, यानी दो दिन हो गया। दो दिन में कितना चढ़ता है वो 10 मीटर चढ़ा और 3 मीटर फिसल गए, मतलब 7 मीटर चढ़ा। तो दो दिन के चढ़ाई कितने हो गए, 7 मीटर। कुल कुआ है 60 मीटर का। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, उस तरीके से नहीं करेंगे जो पहले घटा रहे थे। इसमें क्यों नहीं करेंगे, ये दो दिन के चढ़ाई 7 मीटर, दो दिन के चढ़ाई 7 मीटर, तो एक दिन के कितने होते, 3.5 होते। पॉइंटों में ज़्यादा उसका कैलकुलेशन बड़ी होती है। तो क्या करेंगे, दो दिन के चढ़ाई कितनी है, 7 मीटर है। दो दिन के चढ़ाई हो गई 7 मीटर, तो एक दिन की होती 7/2। एक दिन की होती 7/2, तो कुल कितने दिन लगते हैं इसको, तो हमें कितना करना है। कुल 60 है, उनमें से अब निकालना कितना है हमें, ये जो 7 मीटर हो रहा है ये निकालेंगे। 7 मीटर हो रहा है तो कितनी होती है, 60 में से 7 निकालें तो कितना होना चाहिए, 53 होना चाहिए। यानी अब इस संख्या से गुणा करेंगे जिसका आसपास कितना हो, आस पास 53 के आसपास हो। यानी अगर 15 से गुणा करें, सपोज़ करो हम अगर 7/2 को 15 से गुणा करेंगे, 15 यानी 15 पर ये पॉइंटों में संख्या जाती है, 2 से भाज्य नहीं है, तो 14 से करके देखते हैं। 14 से गुणा करें तो कितना हो रहा है, 7 × 7 कितना हो रहा है, 49 हो रहा है। ये 53 के आसपास है 49। फिर करते हैं 16 से, एक संख्या छोटे वाले दूसरे संख्या बड़े वाले लेंगे, 7/2 इंटू क्या करेंगे, 16 करेंगे। 15 में भाग नहीं जाता है 2 का, इसलिए 15 से नहीं करेंगे। 16 से करें तो कितना होता है, 16 ये 8 से करके, 8 × 2 कितना बार, 56 हो गया। कितना बार, 56 हो गया। अब कितना हो रहा है, ये 56 वाला संख्या लेंगे, 49 वाले नहीं लेंगे हम, क्योंकि 60 और 60 में से कितने निकला, 7 वाले 53 हो रहे हैं, 60 और 53 के बीच वाले संख्या लेंगे हम। तो 56 मीटर हो रहा है, 6 × 7 8 × 7। तो यहाँ पर चढ़ाई हो गई इसकी दो दिन में 7 मीटर, तो कुल 16 दिन में वो कितना चढ़ेगा, अभी हमने निकाला था 16 दिन की कैलकुलेशन। तो 16 दिन में कितना चढ़ेगा, 7/2 × 16 16 से 2 कट गए 8 बार, तो 8 × 7 होता 56। यानी 56 मीटर तो कितने दिन में चढ़ गया, 16 दिन में 56 मीटर 16 दिन में चढ़ गया। फिर बाद में क्या करना है हमें, बांध सेंस कितना बचा, कुल 60 मीटर का कुआ, 60 मीटर में 56 मीटर चढ़ गया, सेंस कितना बचा, 4 मीटर। अब 4 मीटर उसको चढ़ना है, और वो छलांग कितने लगा था अगले दिन, 10 मीटर का छलांग लगाएगा। तो 4 दिन के 4 मीटर चढ़ना है और वो 10 मीटर का छलांग लगाएगा, इसमें मतलब कितना समय लगेगा उसको, 4/10 मतलब कितना हुआ, 2/5। तो ये उसको दिन लगेंगे, कितने दिन लगेंगे, 2/5 ये हो गया 4 मीटर वाला, और 16 दिन लगे पहले, इन 16 से ही 2/5 दिन लगेंगे इसको। आंसर कितना होगा, इस प्रकार का आंसर नहीं होगा, आंसर इसका कितना होगा, 17 दिन, क्योंकि 16 दिन तो इसको पूरा लगे, 16 दिन पूरा लगने, 16 से अगले दिन क्या हो रहा है, 2/5 दिन लग रहा है, अगले दिन का 2/5 दिन, इसका मतलब क्या होगा, 17वें दिन 17 दिन पूरा नहीं लग रहा है, लेकिन 17वें दिन क्या होता है, 17 दिन शुरू हो जाता है उसको चढ़ने के अंदर। 16 दिन पूरा हो गया और 2/5 दिन जो भाग है वो किसका, 17वें दिन का भाग हो जाएगा। फिर जैसे अगला एक क्वेश्चन, 2 की घात 50, 2 की घात 50 का आधा कितना होगा, 2 की घात 50 का आधा कितना होता है, ये हम किस तरह से, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, सिर्फ लॉजिक ध्यान रखना है इसका। एक 2 की घात 50 का आधा, इसका मतलब ये नहीं होगा कि 2 का घात 25, 2 का घात 25 नहीं करेंगे हम, ये भी ऑप्शन में रहेगा 2 की घात 25, लेकिन ये नहीं होगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। 2 की घात 50 है, इसका आधा करना, इसका आधा कितना होगा, आधा करने के लिए हम क्या करते हैं, जो संख्या होती है उसमें 2 का भाग देते हैं, इन 2 का भाग करने पर क्या हो जाती है, वो संख्या आधा, यानी 2 भाग बराबर आधी हो जाती है। तो 2 की घात 50 में क्या करेंगे, 2 का भाग देंगे, बटा में 2 लिखेंगे, बटा में 2, यानी 2 की पावर यहाँ पर कुछ नहीं दे रखे, नीचे तो 2 है इसके, घात नहीं दे रही, इसका मतलब क्या मान सकते हम, घात 1 मान सकते हैं इसकी, यानी जो नीचे संख्या है उसकी क्या हो गई, घात 1 हो गई, 2 की पावर 1 हो गई, यानी 2 ही हो गई इसका मान। अब इसका आधा करने, यह संख्या अगर हम ऊपर ले जाए तो क्या होता है, ये तो संख्या भाग में है, भाग में अगर हर समान और संख्या भाग में है, तो भाग में हो तो क्या होता है, तो घात होती है, अगर भाग में हो तो घात क्या होती है, माइनस होती है, घात माइनस होती है, और अगर गुणा हो तो घात क्या होती है, प्लस होती है, गुणा में घात प्लस होती है, इसी चीज़ का ध्यान रखना है।
भाग में घात माइनस हो गया और गुणा में घात क्या हो गया, गुणा में घात प्लस होती है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर भाग हो रहा है दो के पावर 50 बटा दो के पावर एक, यहाँ पर भाग हो रहा है इसका मतलब घात क्या हो गया माइनस हो गया, आधा समान है दोनों का दो दो, तो घात माइनस हो गया कितना होगा, दो के घात 50 माइनस एक, ये जो घात है माइनस हो गए बटे वाले, 50 माइनस एक कितना हो गया 49, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 2 के पावर 49, ये इसका राइट आंसर होगा। अगर 2 के पावर 50 का आधा घुसे तो कितना होता है, 2 के पावर 50 का आधा होता है 2 के पावर 49, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। आधा पूछा सीधे घात में से क्या कर देना है, माइनस एक कर देना है, तो ये इसका आधा हो गया। इस प्रकार जैसे एक क्वेश्चन अगला, एक बंदूक से ग्यारह बार गोले चलाने पर साठ सेकंड का समय लगता है, तो बताओ 8 बार गोले चलाने पर कितना समय लगेगा। जब एक बंदूक से 11 बार गोले चलाए जाते हैं तो कितना समय लगता है, 60 सेकंड का लगता है, और 8 बार गोले चलाने में कितना समय लगेगा वो हमें पूछ रहा है। 11 बार गोले चलाई, 11 बार में टाइम कितना लगा, 60 सेकंड। इसका मतलब क्या हुआ, अगर 11 बार गोली चली तो 60 सेकंड लग रहा है, यानी अंतराल कितना हो गया, अंतराल होता है जो अंतर हो रहा है उससे एक कम हो गया, 11 से 1 कम हो गया यानी 10 होगा अंतराल, क्योंकि जब पहली गोली चलती है उस समय टाइमिंग स्टार्ट नहीं हुआ था, पहली गोली चलने के बाद क्या हुआ टाइमिंग शुरू हुआ, और 1 मिनट होते ही क्या हुआ अगली गोली चली, फिर 1 मिनट होते ही अगली गोली चली, इस प्रकार 11 गोली चलने में कितना समय लगा, 60 सेकंड का समय लगता है। तो 60 सेकंड का समय कितने अंतराल में लगा, 10 अंतराल में लगा, क्योंकि 11 जब गोलियाँ चलती है तो 10 का अंतराल होगा, क्योंकि उससे एक कम होगा, जितनी बार गोलियाँ चल रही है उससे एक कम होगा, क्योंकि जब पहली गोली चली थी तब क्या समय स्टार्ट नहीं हुआ था, पहली गोली चलने के बाद वो टाइमिंग स्टार्ट शुरू हुआ था, पहली गोली एक निकल गई 11 में से पहले निकल गई तो कितना बचा, 10 बचा, 11 में से एक गोली पहले चली गई, फिर 10 गोलियाँ चलाने में कितना समय लग रहा है, 60 सेकंड का समय लग रहा है। तो वो पूछ रहा 8 गोली चलाने में कितने समय लगा है, 8 गोली का पूछ रहे हैं, इसका मतलब 8 गोली चलेगी तो कितना होगा, 8 गोली चला रहे इसका मतलब 7 गोली का समय निकालेंगे हम, क्योंकि जो 8 गोली उनमें से एक गोली पहले चल जाएगी, पहले चलने वाली का समय नहीं होता, पहले गोली निकलने के बाद समय स्टार्ट होगा, निकलने के बाद स्टार्ट होगा, फिर से 7 गोलियाँ चलाने बचेगी, तो 7 गोलियों का हम समय निकालेंगे, तो 7 गोली का कितना होगा, 10 का अगर 60 है, 10 का 60 है तो 7 का कितना होगा, 60 बटा 10 × 7, ये 0 से 0 कैसे 7 × 6 कितना हो गया, 42, यानी 42 सेकंड लगेंगे। तो 7 गोलियाँ चलाने में कितना समय लगा, 42 सेकंड का, और 11 गोलियाँ चलाने में लग रहा है 60 सेकंड का। इसमें ध्यान क्या रखना, जो पहली गोली चलती है उसका टाइमिंग नहीं लगता, पहली गोली निकलने के बाद में टाइमिंग शुरू होता है। इस प्रकार जैसे एक क्वेश्चन है, किसी समूह में उन्होंने एक दूसरे से हाथ मिलाए, तो कुल कितनी बार हाथ मिलाए गए। ये क्वेश्चन नंबर एक, समय 18 व्यक्ति, उन्होंने एक दूसरे से हाथ मिलाए तो कुल कितनी बार हाथ मिलाए। इसका एक सूत्र होता है, सूत्र क्या होता है, n(n-1)/2। ये सूत्र को ध्यान रखना, n(n-1)/2। n क्या है, n जो व्यक्तियों की संख्या वो होगी, यानी यहाँ पर कितने दे रहे व्यक्ति, कितने दे रहे 18 दे रखे हैं, 18 व्यक्ति है तो n कितना, n का मान कितना हो गया 18 हो गया, 18 × n की जगह 18 - 1 बटा में क्या करेंगे 2 कर देंगे,
तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 18। पहले क्या करेंगे, बोर्ड मास के नियम के अनुसार पहले कोष्टक वाला सोल्व करेंगे, 18 इंटू क्या हो गया 18 माइनस 1 17, फिर बटे में 2, ये 2 18 से कट गए 9 बार, तो 9 इंटू 17 कितना हो रहा है, 9 इंटू 17 हो गया, 9 इंटू 17 कितना होगा, 9 इंटू 17 9 17 कितना होता है 63, इतना सिल्क से 9 से 15 153 बार, यानी कुल कितनी बार हाथ मिले गए, तो आंसर हो जाएगा इसका 153, 153 बार हाथ मिले गए, क्योंकि जो इसमें बटा दो क्यों कर रहे हैं, अगर इसी पर इसी से संबंधित एक क्वेश्चन होता है जैसे गिफ्ट देते हैं, ये दूसरे को गिफ्ट देते हैं तो क्या होता है उसमें ये सूत्र रहता है, लेकिन क्या होता है नीचे बटे में 2 नहीं रहता है, बटे में 2 क्यों नहीं रहता है, वो इसका कारण ये है कि जो गिफ्ट देते हैं वो सब एक दूसरे को देते हैं आपस में देते हैं, लेकिन हाथ मिलाएंगे जैसे दो व्यक्ति आपस में हाथ मिलाएंगे तो वो कितनी बार मिलाएंगे, अगर दो व्यक्ति आपस में हाथ मिलाते हैं वो सिर्फ एक बार मिलाते हैं, क्योंकि जब दोनों आपस दोनों एक एक बार हाथ मिला लिया, जैसे दोनों एक बार हाथ मिला रहे हैं तो उस दोनों का काउंट हो जाएगा, एक नहीं होगा, दोनों ने आपस में हाथ मिला लिया तो दोनों का काउंट होगा, लेकिन गिफ्ट देते तो क्या होता है, गिफ्ट पहला वाला दूसरे को देता है और दूसरा वाला वापस क्या करता है पहले वाले को गिफ्ट देता है, उस प्रकार गिफ्ट में क्या होता है बटा दो नहीं होता, जबकि हाथ मिलाने वाले में क्या हो रहा है इसमें बटा दो हो रहा है, बटा दो क्यों हो रहा है ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि जो एक दूसरे से हाथ मिलाते तो वो सिर्फ एक बार मिलाते हैं, एक बार मिलाने पर दोनों का काउंट हो जाता है, इस प्रकार जैसे वो गिफ्ट वाला क्वेश्चन करके देखते हैं, जैसे एक पार्टी में दस व्यक्ति थे, उन्होंने एक दूसरे को गिफ्ट दिए, तो कुल गिफ्टों की संख्या कितनी होगी, कुल गिफ्टों की संख्या कितनी होगी, अब इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, वो जो सूत्र था एन एन माइनस वन बटा दो वाला, इसमें सिर्फ बटा दो नहीं लगेगा, सिर्फ एन एन माइनस वन ही रहेगा, क्योंकि इसमें जो गिफ्ट है वो आपस में दोनों तय, जैसे यहाँ पर दो आदमी, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर है, अगर ये दोनों हाथ मिलाते हैं तो क्या करेंगे सिर्फ एक बार काउंट होगा, क्यों अगर हाथ मिलाते तो इसने भी इससे हाथ मिला लिया, इसने भी क्या किया इससे हाथ मिला लिया, यानी एक ही बार काउंट हुआ, फिर ये वापस नहीं मिलेगा, लेकिन गिफ्ट देने पर क्या होता है, ये इसको गिफ्ट देगा एक बार, फिर ये वापस इसको देगा दो बार, यानी दोनों काउंट हो रहे, इसमें क्या हो रहा है बटा दो नहीं आ रहा है, तो सिर्फ इसी तरीके से होगा एन एन माइनस वन, तो एन एन की संख्या एन का मान कितना हो रहा है 10 दे रखा है, तो 10 माइनस 10 इंटू 10 माइनस 1 हो जाएगा, तो आंसर कितना होगा 10 इंटू 9 90 इसका आंसर हो जाएगा, जो कुल गिफ्ट की संख्या कितनी हो गई 90 हो गई इसके अंदर, और अगर हाथ मिलाने वाला पूछता तो कितना होता है बटा दो होते हैं, यानी 10 90 बटा 2 हो जाता है 45 होते, अगर हाथ मिलाते तो संख्या हो जाती है 45, और गिफ्ट का पूछ रहा है तो संख्या हो रही है 90 हो रही है, इसका दुगुना होगा